नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ये कार्यक्रम हल्दी कुमकुम का प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से रखा था। श्री विजय सिंह जी इसके संस्था मतलब आयोजक थे। कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही था कि ना, एक तो महिला हल्दी कुमकुम हम करते हैं तो वो महिलाओं का सम्मान होता है। हल्दी कुमकुम का मतलब है महिलाओं का सम्मान। तो यहाँ पे जो अम्बुजवाड़ी जो बस्ती है, बहुत मागास वर्गीय बस्ती है, यहाँ पे ऐसे कार्यक्रम होते नहीं हैं। यहाँ पे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले तो हमने BMC की जो योजना है महिला वचनगढ़, इस माध्यम से महिलाओं को एकत्रित किया। 10-10 महिलाओं का ग्रुप बनाया, उनके बैंक में खाते ओपन किए, फिर उनको जो भी BMC की सुविधा उपलब्ध करके हम दे सकते हैं उतनी हम उनको सुविधा उपलब्ध करके देते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि महिलाओं को एकत्रित करके उनका जो महिला बचत गट हमने खोला उसके माध्यम से हमने ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया है, ताकि महिलाओं को, गरीब महिलाओं को जब सम्मान मिलता है तो उनको और ऊर्जा आती है काम करने की और घर से बाहर निकलती है, क्योंकि उनको कुछ इस बारे में मालूम नहीं होता है। इसलिए हमारा ये उद्देश्य था कि हर महिला घर से बाहर निकले। और अम्बुजवाड़ी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, तो हम महिला एकत्रित रहते इतना ही हमारा लोगों को संदेश देने का हम काम करते हैं कि हमें यहाँ पे स्वच्छता की ओर काम करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, यहाँ पे नशा बहुत है, नशाओं के ऊपर हमें काम करना है। तो हम महिलाएं बहुत से, आज 1000 महिलाओं का हमने कार्यक्रम किया। अभी 1000 महिलाएं हम आंदोलन छेड़ने वाले हैं कचरा के ऊपर, नशा के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, कि इसके जिम्मेदार कौन? अगर हमारे यहाँ का नगर सेवक है, हमारे यहाँ MLA है, तो फिर हम ये कचरे में क्यों रहते हैं? अगर हमें साधारण लोगों को ये सब दिखता है तो ये MLA को और नगर सेवक को नहीं दिखता है क्या? जैसा कि बात की जाए इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुश्किल से 100 लोग जुटाना मुश्किल हो जाते, लेकिन आपने 1000 महिलाओं को इकट्ठा किया। कितने दिनों से तैयारियाँ चल रही थी और कितनी मेहनत करनी पड़ी थी? हमारी तैयारी ऐसी बहुत जल्द नहीं थी। हमने अचानक ये तय किया सब महिलाओं ने और हमने ये कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम आपने जो बोला, भारतीय संस्कृति जो सुहागन महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन विशेषकर हमने यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को बुलाया था, हमने यहाँ पे विधवा महिलाओं को बुलाया था कि महिला महिला है, फिर वो विधवा हो या सुहागन हो, हमने हर महिला को सम्मान दिया। इसलिए हमने कार्यक्रम का नाम ही रखा था नारी सम्मान कार्यक्रम। एरिए में आपके नाम की चर्चा बहुत चल रही है और कई लोगों ने तो भावी नगर सेवक भी आपको मान लिया है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखा है गंदगी है, तो उसके लिए क्या करने वाली है आप? हम हमारे विजय सिंह जी के माध्यम से बहुत तो काम करते हैं, जैसे कि शौचालय का, शौचालय बनाने से लेके पीवर ब्लॉक लगाने तक हमने जगह जगह पे कचरे की पेटियाँ दी, कचरे के ऊपर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों में चर्चा इसलिए साहब, क्योंकि हम ये एरिया में, इस एरिया को हम हमारा परिवार मानते हैं, हम इसको हमारा घर मानते हैं और हम यहाँ कुछ करने की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए यहाँ के लोग भावी नगर सेविका ऐसा बोलते हैं, लेकिन नगर सेविका जब महानगर पालिका का चुनाव में चुन के आने के बाद नगर सेविका, लेकिन मैं तो नगर की सेविका हूँ ही, ये नगर में सेवा करने का मेरा, मैं तो नगर की सेविका हूँ ना, वो चुनाव के बाद चुन के आने के बाद नगर सेविका, और मैं ये नगर है और ये नगर की मैं सेविका हूँ और हमेशा रहूँगी। तो वैसे भी आप नगर की सेवा कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले अगर जो जीत के आती है, पब्लिक ने आपको अपना लाड प्यार दिया, तो सबसे पहला आपका कौन सा काम रहेगा इस एरिया के लिए? पहला इस एरिया के लिए मैं ये काम करूँगी, नशा मुक्त, क्योंकि यहाँ पे जो आज 1000 महिलाओं का जो मैंने कार्यक्रम दिया हल्दी कुमकुम का, उसमें 90% महिलाएं दुखी हैं, क्योंकि उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, और जब एक घर का व्यक्ति नशा करता है तो पूरा घर उससे त्रस्त होता है। इसलिए मेरा जब कभी भविष्य में अगर मैं नगर सेविका बनी तो पहले मेरा काम होगा नशा, दूसरा कचरा, और तीसरा बहुत सारा भ्रष्टाचार जो भू माफिया से हम लोग तंग हैं वो मैं खत्म करने की पूरी कोशिश करूँ। नशा और भू माफिया जितना ही कठिन है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। खतरनाक तो हर चीज़ है साहब, सैनिक
वहाँ पे रखवाली कर रहे हैं इसलिए हम सुकून की नींद सो रहे हैं। खतरे से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। खतरे से करके मालूनी में तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खतरे से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, झांसी की रानी जो थी, जो अपना बच्चे को कमर में बांध के अगर वो लड़ाई के लिए निकलती है, तो हम तो दुर्गा का रूप है, हम तो दुर्गा का रूप है, इसलिए हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है। हमें खतरा एक्सेप्ट करना और खतरों पे खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बृजय सिंह मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे आज जो भी मैं कुछ हूँ, जो भी मैं बड़ी हूँ, उनकी बदौलत हूँ। और मेरे राजनीति के गुरु मेरे भाई भी और मेरे गुरु भी हमेशा रहेंगे। हमारी अनुष्का दी बहुत अच्छी है, सबको साथ देती है हर काम में, हर समय में, हर मुसीबत में, हर किसी के भी मुसीबत में आगे आके खड़ी रहती है। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा गया, वार्ड क्रमांक 49 से, इसके वजह से मतलब अनुष्का दी ने मतलब बहुत अच्छे से आज कार्यक्रम किया। सभी महिलाओं आई, सभी को गिफ्ट वगैरह किया, बहुत इंजॉय किया और सबको करवाया भी, कार्यक्रम किया, वो सबको अच्छा लगा और सबके दिल को भाया वो कार्यक्रम। और जो कार्यक्रम ने जो लिया, जो भाषण किया कार्यक्रम में, वो भाषण भी सबके दिल को भाया। शिव के बाद में, लेकिन पहले उसको देवी के रूप में देखेंगे, देवी के रूप में देख के बाद में उसको हम लोग नगर शिव के रूप में देखेंगे, क्योंकि पहला हमारा देखने का रूप है भगवान को। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।